इंसेफ्लाइटिस से नौ निहालों की जिंदगी बचाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर पर इंसेफ्लाइटिस सहायता पटल बनाया गया, जिसका उद्घाटन जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया। इस दौरान प्राधिकरण के सचिव नुसरत खान, सीजीएम केके सिंह, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश कुमार, डॉक्टर डीके श्रीवास्तव, डॉक्टर राकेश सक्सेना सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित इस सहायता केंद्र पर 15 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो शिफ्ट वार अपनी सेवा लेंगे। इसके अलावा मरीजों को तत्काल इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ परिजनों को कूपन के माध्यम से निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। उद्घाटन के पूर्व जिला जज की अध्यक्षता में एक मीटिंग कॉलेज के कमेटी हॉल में की गई, जिसमें इंसेफ्लाइटिस से बचाव के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें जनपद न्यायाधीश ने आश्वस्त किया कि नौनिहालों की जिंदगी बचाने के लिए न्यायपालिका हर संभव सहयोग उपलब्ध कराएगी। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए न्यायाधीश विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया। दो हज़ार 2014 से लगातार हम लोग को मदद उपलब्ध कराई जा रही है। मतलब कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किए हैं और इस हेल्प डेस्क जिसके माध्यम से हम लोग 2014 से लगातार गरीबों और जो कि हमारे इंसेफ्लाइटिस और अन्य बीमारी के भी बच्चे आते हैं उनको सहयोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसके बाद कुछ न जानते हुए कहा कि नहीं, इसमें हम अपना सहयोग तुरंत उपलब्ध कराएंगे, जितना जल्दी हो आप इसको शुरू करा दीजिए। ये पूरा बीआरडी परिवार आपका सर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और मैं अब आग्रह करूंगा अपने प्रधानाचार्य महोदय से कि जो शब्द हमारी जो ये निदेशिका है इंसेफ्लाइटिस उसके और जो भी वो कार्य कर रहे हैं उनके हम और आगे करने वाले संबंध में कुछ बता सकते जो रोगी था फटल जो चल रहा था उस बीच में काफ़ी प्रस्ताव ठीक हो रहे थे और उम्र नहीं थी तो बंद होगा, लेकिन अभी भी ये समर का सीजन है और अभी रोगियों की काफ़ी प्रकार सुधार हमने कर दी है। मैं आपका स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नई सेवा के सचिव हैं उसका ध्यान के बारे में स्वागत करता हूँ। मैं चाहती करता हूँ कि कॉलेज में काफ़ी कुछ सुधार हो और देखने को बिना है गुणात्मक सुधार हो रहा है। हमारी सारी संगति लग रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस साल जेई का उसको काफ़ी कम है, मरीज जे दिन में करीब 25 मरीज आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को काफ़ी व्यवस्था अच्छी करती है। भी काफ़ी पैसा दिया है, काफ़ी सुधार किया है, तो मैं चाहता हूँ आपका सहयोग है और बाकी सभी लोगों का सहयोग है। जो भी मरीज गरीब यहाँ आता है उसको बेहतर से बेहतर सुधार है। इस साल पिछले साल की तुलना में पूरे गोरखपुर मंडल में 51% केसेज में कमी आई है सर। लेकिन कुछ हमारी जो भी क्रिया कह रहे हैं कि हमें जो मार्ग सब बना के दिया उनको चलाने के लिए मैन पावर नहीं मुझे मिली है, तो कुछ इस तरीके से मैन पावर उनको भी चलाने के लिए साफ सफाई लास्ट गांधी जो हमारे पास रिकॉर्ड है लगभग 4000 से ऊपर मरीजों को अटेंड करने का रिकॉर्ड हमारे वॉलंटियर्स करा रहे हैं। उन सब सारी चीज़ों को देखते हुए ही जो है आपने हमारे प्रभारी साहब ने उनके साथ भी जो है हमें तकलीफ किया, मैंने अपने विस्तार से बताया। फिर साहब ने उस चीज़ को बहुत ही सेंसिटिव होते हुए इनको लिया और कहा कि इसको तुरंत इसको शुरू करिए, तो अगर हमारे पार्ट से अगर मरीजों को कुछ मदद मिले ये अच्छा काम भी है, ये खुद का काम भी है और ये हम तुरंत करना चाहेंगे। डॉक्टर जी से हमारी जो है सहयोग किया है, हमने आपको सहयोग किया है और उसमें अगर इस
तरह की कोई भी योजना हमारे जो भी वर्क करते हैं, जो भी हमारे संस्था है, जो भी हमारे साधन हैं, उसके अनुसार जो भी सही समय से जल्दी से जल्दी पहुँचाए और लीक आउट जाना उनको कम टाइम में जितनी आया है उतनी जल्दी हमारे पास मरीज पहुँचे। वो एक्सट्रीम पर आई, उसने ऑक्सीजन मास्क लगाया, वहाँ के बच्चे गुजार रहे हैं, हम उसके यहाँ घूमने में आ रहे हैं। की मदद से और अच्छा काम होता है, अच्छा काम बहुत करते हैं जी ने, काम भी बहुत अच्छा करते हैं सारे बच्चे मैदान से, बहुत अच्छे साल का बहुत अच्छा और एक और बहुत अच्छा काम ही होता है सर की यहाँ पे सर की अनुमति से और आपके सहयोग से गरीब गरीब मरीज आते हैं, उनके परिजनों को निःशुल्क हम लोग भोजन उपलब्ध कराते हैं और ये समाज के लोग अपना आकर के अनाज जो हम पहुँचा जाते हैं। हाँ मतलब हम लोग फेसबुक व्हाट्सअप पर डालते हैं, सहयोग हमारे से जैसे आप दवा भी खाते हैं, आप लोग खुद अपने सहयोग से पैसा किसी से नहीं लिया जाता, वहाँ सामान पहुँचा जाते हैं और ये वार्ड में जाकर के बच्चे जबते नहीं आए तो उन्होंने प्राइवेट तक पहुँचा देते हैं, उस वार्ड में जा जाकर के पर्चियाँ हैं जो पेशेंट है उनको पर्ची देते हैं इधर से देते हैं और फिर उनको जो है दोनों टाइम निःशुल्क हो जाएंगे। अब तक मेरे पास छः रोटी, हाफ प्लेट चावल, एक दाल, दो सब्जी और बाकी प्याज और मिर्च जो पैनल यहाँ पर कैंटीन चलता है पूरा कैंटीन तो खाना करके बाबू लोग बता दी कहाँ खाना मिलेगा ना अभी देखिए ये ऐसी बीमारी है, इसमें तो हर समाज के हर वर्ग को अपना सहयोग देना चाहिए। हम लोग तो सरकारी संस्थाओं के लोग हैं, हम लोग अपने स्तर पर तो इसको ये मान करके कि हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है इस कार्य को करना है। इसी क्रम में हम लोगों ने अपने जिला विधिक सेवा की तरफ से कुछ वॉलेंटियर्स यहाँ पर रखे हैं जो कि इंसेफेलाइटिस के मरीजों के लिए जो भी सुविधा है, जो भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं वो करते हैं। यह महामारी है, इससे जो भी हम कर सकते हैं अपने स्तर पर सीमित साधनों के अंतर्गत हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। जब तक ये प्रकोप इसका जारी रहेगा तब तक ये हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर रहेंगे।